हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आसान कुकिंग पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा कूल कूल बादाम शेक, जो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम चीज़ों में एकदम मार्केट जैसा बादाम शेक बन जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं बादाम शेक। इसके लिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 बादाम ले लिए हैं और इनको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये अच्छे से भीग गए हैं, तो अब हम इनके छिलकों को इस तरह से रगड़कर छील लेंगे। सारे छिलके छुड़ा देंगे। ये देखिए, बस बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो हम सारे बादाम को इसी तरह से छील लेंगे और छील कर अब हम इसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे। तो मैंने सारे बादाम इस मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। ये मैंने 1/4 कप चीनी ली है। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो और मैंने यहाँ पर ली हैं 5-6 छोटी इलायची हैं ये, और मैं अब इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये इस तरह का पेस्ट हमने बना लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बनाया है हमने। अब इसको रख देते हैं एक साइड में, इसका यूज़ करेंगे बाद में। अब यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, ये लगभग 1 लीटर दूध है, 1 लीटर से थोड़ा कम है और 0.5 लीटर से ज़्यादा है, तो लगभग ये 0.25 लीटर दूध है। तो हमने इसको एक बर्तन में कर लिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब जब तक इसमें उबाल आता है, तब तक हम ये 7 से 8 बादाम मैंने ले लिए हैं, इनको बारीक कट कर लेंगे। और ये देखिए, दूध में उबाल आने लगा है, ये जो मलाई जम जाती है इसको हम वापस से इसी में मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, दूध हमें एकदम गाढ़ा ही चाहिए होगा, फुल फैट। और मैंने यहाँ पर वैसे ही उबला हुआ दूध ही यूज़ किया है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, तब तक दूध उबलता है तो हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका एक अच्छे से घोल बना लूँगी थोड़ा सा दूध डालकर। आप चाहें तो इसे पानी में भी घोल सकते हैं, मैंने इसको दूध में ही घोला है। तो हम इसको बिल्कुल बिना लम्स का घोल बनाकर तैयार करेंगे। अच्छे से इसको घोल लेंगे, ये देखिए कोई भी लम्स नहीं, कोई भी गुठली नहीं। तो अब हम इसको घोल कर एक साइड में रख देते हैं। आइए देखते हैं तब तक दूध में उबाल कैसा आया, कैसा गाढ़ा हुआ। ये देखिए, दूध अच्छे से उबल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी होने लग गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था बादाम और शुगर का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसी में मेल्ट कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल। तो फिलहाल में पहले हम इसको, जब तक उबाल नहीं आता, इसको यूँ ही मेल्ट कर देंगे अच्छे से। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये देखिए हल्का हल्का उबलने लगा है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल देंगे। घोल अगर बैठ गया हो तो इसको एक बार फिर से घोल लें इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। सारा का सारा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, ये तले पे जाकर चिपक जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी समझ आएगा कि किस तरह से बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये इसमें डल जाता है कस्टर्ड पाउडर का घोल, तो ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा होने लगता है। जो मैंने बादाम को कट करके रखा था, बारीक बादाम को, वो मैं इनमें अब डाल दूँगी। सारे बादाम को मैं डाल दूँगी और 3 से 4 मिनट ही हमें इसको बस पकाना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से गाढ़ा होता है। मैंने सारे के सारे बादाम इसमें डाल दिए हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट पकाऊँगी। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होकर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो फ्लेम को यहाँ पर कर देंगे ऑफ, इसको चलाते हुए अब हम इसको वापस नीचे उतार लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस की कुछ बूंदें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तभी डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ी सी फ्लेवर अच्छा हो जाता है।
और हमारा शेक बिल्कुल बढ़िया सा तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप वैसे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसको ठंडा कर लें। आप ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा देर रखें, कम पीना चाहते हैं तो कम देर। वैसे भी हम इसमें आइसक्रीम डालने वाले हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। हमने इसको 1-2 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखा था। ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो पहले मैं इसको एक मग में लौट लूँगी इस तरह से, फिर मैं इसको ग्लास में सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, इतने दूध में हमारा 2 बड़े ग्लास कांच के ग्लास हैं, ये 2 बड़े ग्लास भरकर बादाम शेक तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम। इससे तो स्वाद और 2 गुना हो जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया हमारा बादाम शेक तैयार हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ बादाम की कतरन से इसको गार्निश कर दूंगी और मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से भी इसको गार्निश कर दिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो टूटी फ्रूटी का यूज़ करें वरना ना डालें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल बादाम शेक रेडी है। ओके।